आज दिनांक 1 अगस्त 2021 में बतौर महानिरीक्षक के तौर पे मैं इस सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल इंदौर में मैंने कार्यभार संभाला है महानिरीक्षक का। और इस पद जो ये महानिरीक्षक का है, पहले जो हमारी सहायक प्रशिक्षण केंद्र होते थे उसमें या तो कमांडेंट या उप महानिरीक्षक के द्वारा इसको कमांड किया जाता था, लेकिन पिछले कार्ड रिव्यू में इस पोस्ट को अपग्रेड करके महानिरीक्षक का पोस्ट इसमें दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारे जो जवानों का जो जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल के जवानों को कठिन या दुर्गम क्षेत्र में अपना डिप्लॉयमेंट होता है और हमारे जो एडवर्सरीज हैं या काउंटर पार्ट हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन देशों के साथ में जो सीमाएं लगी हुई हैं उनमें खड़े होकर के और 24/7 जो ड्यूटी करना पड़ता है, ये बहुत टफ टाइप की ड्यूटी होती है। और इस ड्यूटी को एक डिसिप्लिन तरीके से अपने देश की सुरक्षा के मद्देनज़र हमारे जवान यदि ट्रेनिंग में प्रशिक्षण उनको अच्छा प्राप्त होगा, यदि वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, यदि उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा ट्रेनिंग के दौरान में और अच्छी तरह से यदि ट्रेनिंग करेंगे तो अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पद का होना इसलिए आवश्यक था कि हमारी कोर एरिया ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में यदि माना हमारे जवान अच्छे हैं और ये इंश्योर हमारा बल ये करता है कि हमारे जो भी जवान हैं, एसओज हैं, ऑफिसर्स हैं, यदि उनकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है तो वो अपना काम बॉर्डर पे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। इसलिए ये पद यहाँ पे सृजन हुआ है और मुझे खुशी है कि आज मैं इस सहायक प्रशिक्षण केंद्र का बतौर महानिरीक्षक के तौर पर मैंने यहाँ पर कार्यभार संभाला है।